अगे वधांगे हरियाणा दे कुरुक्षेत्र विच HSGPC ने गुरद्वारा साहिब दी गोलक ते कब्जा कीता। कुरुक्षेत्र दे इतिहासक गुरद्वारा 6वीं पातशाही दी गोलक ते अपना ताला जड़ दिता। गोलक दा ताला तोड़ के HSGPC वल्लों अपना ताला जड़िया गया। हरियाणा सिख मिशन दे दफ्तर दा भी ताला तोड़ के अपना ताला इत्थे जड़ दिता गया। जी हाँ, HSGPC प्रधान करमजीत ते होर मैंबरां दी मौजूदगी विच कब्जा कीता गया। HSGPC प्रधान करमजीत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां दा इत्थे हवाला दिंदिया होया अपना ताला जड़ता। उन्होंने कहा कि एक एक करके हरियाणा के सारे 52 गुरद्वारों का प्रबंध जड़ा है वह अपने हाथ लिया जाएगा। उधर ही श्रोमणी अकाली दल ने HSGPC की कार्रवाई की पुरजोर निखेधी की है। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने जबरी गोलक के ताले तोड़न नूं मंदभागा दस्सिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अजिहा नजायज़ कार्रवाइया रुकवाने की अपील की गई है। HSGPC SGPC नाल गलबात करके चोणा करवाइया चाहिए ने, यह कहना है डॉक्टर दलजीत चीमा का। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट करके लिखा कि अकाली दल हरियाणा सरकार वालों कब्जा करने के मकसद न कुरुक्षेत्र के एक गुरद्वारा साहिब गोलकों दफ्तर से ताले जबरी तोड़न की कार्रवाई की निंदा करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके नामजद कमेटी कंट्रोल सौंपण तो गुरेज करने की अपील करता है। सगो उन्होंने SGPC गल करनी चाहिए है, चोणा जो है करवाइया चाहिए ने। असी तो एडहॉक तौर पर काम करके अपने अपनी जगह चला जाना। साड़ा कोई मंतव नहीं, ना असी इलेक्शन लड़नी है ना ही सिस्टम आना है। जे असी इनू सुधार सके, जे सिस्टम नू बना सके तो असी साल बाद जदों छड़ांगे फिर तुहाडे रूबरू हो जाएंगे। वो भी कारण दसांगे किवें सुधारिया। जे फेल हो गए तो भी तुहानू दसांगे असी किवें फेल होए। इन्होंने पहला जो सेवा की है साढ़े तो पहला संत बलजीत सिंह दादूवाल, जगदीश सिंह चिंडा, नलवी साहब, उन्हां दे नाल जिन्ना भी उन्हां दा जिन्ने पुराने सज्जणा ने जिन्हां ने सेवा च हिस्सा पाया, मैं उन्हां नूं दो हाथ जोड़ के बेनती करदा। साडे कोल 16 महीने का समा जां 17 महीने का समा, 4 महीने बीत गए, 12 महीने बाकी। असीं इह मौका ना गवाईए। पहले लड़दे रहे सेवा लैण विच, जद सेवा मिल गई हुण लड़दे पे हाँ कि करना किने है।